गाइस वेलकम टू माय चैनल, दिस इज देशना। एंड आज के वीडियो में अपन बाल गणेश जी के चेस्ट एंड लेग्स की शेडिंग करेंगे। ये अपने सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरा कभी भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 5B पेंसिल का यूज करके पूरे हैंड को एक लाइट टोन दूंगी एंड फिर मैं डार्क टोन्स पर जाऊंगी। अपन ने अच्छे से पूरे हैंड को एक लाइट टोन दे देना है। एंड फिर इसे ब्लेंड कर देंगे ब्रश का यूज करके, और कॉटन आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ग्रेफाइट जो निकल गया है उसको इरेजर से इरेज कर देना है। एंड अपन फिंगर्स में थोड़ा सा डार्क टोन देंगे। एंड अब अपन थोड़ा सा मीडियम टोन देना स्टार्ट करेंगे। मीडियम टोन देने के बाद अपन उसे ब्रश या कॉटन किसी भी चीज के हेल्प करके ब्लेंड कर देंगे। अपन को हैंड के नीचे वाले पार्ट में डार्क टोन देना है एंड ऊपर वाले में भी, बीच वाला पार्ट है उस पर सीधे लाइट आ रही है इसलिए अपन को उसको थोड़ा सा लाइट टोन देना है। एंड फिर उसे ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर देना है। चेस्ट को पूरे में लाइट टोन देकर अपन उसे भी ब्लेंड कर देना है कॉटन का हेल्प यूज करके। साइड पार्ट को अपन थोड़ा सा डार्क टोन ही देंगे क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ा अच्छे से पहुंच नहीं पाती है, इसलिए अपन को वहाँ पर डार्क टोन देना है। एंड जहाँ पर ज्वेलरी है उसके नीचे भी अपन को थोड़ा सा डार्क टोन देना है क्योंकि ज्वेलरी की शेडो पड़ रही है।
अब अपन हैंड को शेड कर रहे हैं तो उसमें भी अपन को जहाँ पर डार्क टोन है वहाँ पर डार्क टोन दे देना है, एंड फिर उसके बाद ऊपर से लाइट टोन देते आएंगे एंड फिर उसे ब्लाइंड कर देंगे। अपन को एकदम लाइट मीडियम टोन देना है, एकदम डार्क टोन नहीं देना है, एंड फिर धीरे धीरे अपन उसको डार्क करते आएंगे एंड फिर कॉटन से अपन को उसे ब्लाइंड कर देना है। ज्वेलरी के नीचे वाले पार्ट में अपन को थोड़ा सा डार्क टोन नहीं देना है क्योंकि वहाँ पर ज्वेलरी की शेडो पड़ेगी। यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा ग्रेफाइट चला गया, अपन उसे इरेजर से इरेज कर देंगे। ज्वेलरी के बीच में जो गैप है अपने स्किन दिख रही है उस पार्ट में भी अपन थोड़ा शेड कर देंगे एंड उसे फिर ब्लेंड कर देंगे ब्रश से। अब अपन ज्वेलरी को डिजाइन करेंगे तो मैं ज्वेलरी में सर्कल्स बना दिए हैं, बहुत सारे मोती टाइप में बना दिए हैं मैंने। उसको अपन को लाइट टोन दे देंगे थोड़े से। एंड नेकलेस से अपन को उसे थोड़ा आउटलाइन कर देना है ताकि वो अलग से दिखे। एंड फिर उसको लाइट शेड दे देना है एंड ब्रश की उससे ब्लेंड कर देना है। अब मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज कर रही हूँ, 6B and 8B। अब अपन इनके क्लॉथ को शेड करेंगे तो पहले मैं 6B पेंसिल से मीडियम टोन दे रही हूँ उसे। अपन ने मीडियम टोन देने के बाद उसे ब्लाइंड कर देना है कॉटन का यूज कर। एंड अब अपन इसे थोड़ा डार्क टोन देंगे। अपन इरेजर का यूज करके थोड़ी हाइलाइट्स देंगे इसमें।
दूसरे साइड भी अपन को सेम करना है। अब अपन नीचे थोड़ा डार्क टोन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेग्स वाले पार्ट में, साइड साइड में मैं थोड़ा सा डार्क टोन दे दूंगी एंड फिर धीरे 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 अपन बीच में जाएंगे। बीच में ना अपन को थोड़ा सा लाइट ही रखना है क्योंकि अपन को वहाँ पे हाइलाइट्स देने पड़ेंगे, इसलिए दूसरी साइड भी अपन को सेम ही करना है। साइड में डार्क टोन देनी है और फिर बीच में थोड़ा सा लाइट छोड़ना है। हम अपन को इसे ब्लेंड कर देना है कॉटन या यूज कर। अब अपन को शूट में एक सर्कल ड्रॉ कर देना है क्योंकि वहाँ पर लाइट पड़ रही है तो वो थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा। एंड अपन ने डार्क किया है तो अब उसे ब्लाइंड करना है। बीच में नीड वाले रेजर का यूज करके हाईलाइट दे रही हूँ। दूसरे शूज में भी अपन को सेम ही करना है।
अब अपन को बीच वाले पार्ट में थोड़ा सा डार्क टू लाइट टोन देना है। देखिए मैंने ऊपर लाइट टोन दिया है, नीचे जाते जाते थोड़ा थोड़ा डार्क टोन होता जा रहा है। इसमें ना एकदम फोल्डेड डिजाइन वाली इसमें एकदम फोल्डेड डिजाइन वाला लुक देखने को आता है। देखिए अपने गणेश जी इस तरह से पूरे हो चुके हैं अपन ने 3 पार्ट्स में। अपन ने 3 पार्ट्स में अपने गणेश जी को पूरा बना लिया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।